हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OESF फैमिली रिएक्शंस। मेरा नाम है वकास। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक और मैं हूं मिसेस वकास। तो भाई लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो। तो उसको स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इसके अलावा हमारी इंस्टाग्राम आईडी और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हम इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके अपने सजेशंस दे सकते हैं। तो आज की वीडियो है जी टॉप 10 ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कसोल। So let's begin this video और देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होने वाली। कालिदास ने अपनी पुस्तक में सही कहा है कि धरती पर उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पर्वतों का राजा है, जिसमें देवताओं की आत्मा बसती है। 5 देशों और 13 राज्यों में स्थित हिमालय और इस हिम के आंचल जैसे प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश विस्तृत घाटियों से लेकर बर्फ के पहाड़ तक, 7 झीलों से लेकर नदियों और तेज धाराओं तक और तीर्थ स्थलों से लेकर जैविक भूमि तक समृद्ध खजाना है। परंपरागत रूप से हिमाचल में सैलानियों का 2 से 3 जगहों पर जाना निश्चित होता था, लेकिन हिमाचल सरकार के प्रयास और सोशल मीडिया की मदद के समय के चलते लोगों को असली हिमाचल प्रदेश के बारे में जागरूकता प्राप्त होने लगी है। ऐसी जगहों में सबसे पहला नाम आता है पार्वती नदी के किनारे बसे कसौल का। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कसौल और उसके आसपास की 7 सबसे खूबसूरत जगहों की जिन्हें आप अपनी नेक्स्ट ट्रिप में विजिट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कसौल की। हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में स्थित कसौल एक छोटा सा गांव है जो भारतीय और विदेशी सैलानियों की सबसे पसंदीदा लिस्ट में आता है। कसौल कुल्लू शहर से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और दिल्ली से यहां पहुंचने में आपको 12 घंटे का वक्त लगेगा, जिसके लिए आप दिल्ली के मजनू कंटीले से एक ओवरनाइट वॉल्वो बस लेके यहाँ तक आ सकते हैं, जिसका किराया 1000 से 1200 रुपए तक वेरी करेगा। कसौल के आसपास आपको घूमने को बहुत सी जगह मिल जाएंगी, जिनमें सबसे पहले मणिकरण आता है। कसौल से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मणिकरण, इसलिए आप बाइक किराए पर लेकर यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी माने तो पैदल चल के या ट्रैक करके यहाँ तक आने में ये जगह आपको और भी खूबसूरत लगेगी। पार्वती नदी के तट पर बसा मणिकरण प्रसिद्ध है अपने राम मंदिर, शिव मंदिर और गुरुद्वारा साहिब के लिए, और साथ ही इस जगह में आपको गर्म पानी के स्रोत भी देखने को मिलेंगे जिनकी बहुत सी चिकित्सा शक्तियां मानी जाती है। कहा जाता है कि शिव भगवान और देवी पार्वती घूमते हुए एक बार ऐसे स्थान पर पहुंचे जो हरा भरा था और पहाड़ों से गिरा हुआ था। उस जगह की खूबसूरती से मुग्ध होकर उन्होंने कुछ समय वहीं बिताने का फैसला किया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती ने इस जगह पे लगभग 1100 साल बिताए थे और यहाँ के गर्म पानी में नहाकर बहुत से चर्म रोगों का इलाज भी होता है। दोस्तों मणिकरण कसौल से इतना पास है कि आप पूरा दिन वहां घूमकर शाम को आराम से कसौल वापस लौट सकते हैं। मणिकरण को एक्सप्लोर करने के बाद और कसौल वापस लौटने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे हम अपने कसौल ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है विलेज ग्रहण। ग्रहण कसौल से लगभग 5 से 6 घंटे की दूरी पर स्थित है और ये बहुत ही छोटा सा गाँव है जहाँ पे आपको 40 से 50 के बीच में घर देखने को मिलेंगे। कसौल से ग्रहण तक का सफर बहुत ही खूबसूरत नजारों से भरा पड़ा है और जहाँ एक जमाने में ये सफर आपको पैदल ही तय करना होता था, वहीं अब आधे रास्ते तक आप गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद आप ट्रैक कर सकते हैं। यदि आप मन की शांति, आश्चर्यजनक खूबसूरत दृश्य और गांव की उचित जीवन शैली जीना चाहते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं तो ग्रहण से खूबसूरत जगह आपको नहीं मिल सकती और यहाँ पे आपको होम स्टे 500 से 1000 तक इजीली मिल जाएंगे और उन्हें आप वहीं जाके बुक कर सकते हैं। आप यहाँ ऊंचे चीड़ के पेड़ों के नीचे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और साथ ही नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपको यहाँ भारी बर्फ देखने को मिलेगी। वहीं अगर आपको ग्रीनरी देखनी है तो आप यहाँ सितंबर, अक्टूबर के महीने में आ सकते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप अपने कसौल ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है तोश विलेज।
तोश विलेज कसौल से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पे आप टैक्सी या फिर एक लोकल बस करके इजीली आ सकते हैं, जिसका किराया 70 से 80 रुपए के आसपास रहता है। पार्वती घाटी के दूर छोर पर बसा हुआ ये छोटा सा गांव तोश पर्यटकों को शांति और सुकून देने वाली जगह है और साथ ही हिमालयन आर्किटेक्चर से बने हुए घर देखने को मिलेंगे जो आपकी ट्रिप में चार चांद लगा देंगे। इस विलेज में आपको हॉस्टल में 300 से 500 रुपए पर बेड प्राइस पे मिल जाएंगे और साथ ही अगर आप स्टार गेजिंग और एक ऑफबीट एक्सपीरियंस चाहते हैं तो तोश आपके लिए परफेक्ट जगह होगी। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप अपने कसौल ट्रिप में कवर कर सकते हैं और साथ ही जो पार्वती घाटी की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है वो है खीरगंगा ट्रैक। खीरगंगा ट्रैक लगभग एक 14 किलोमीटर का ट्रैक है जिसको आप विलेज तोश या फिर विलेज पुलगा से स्टार्ट कर सकते हैं। तोश से नखथान तक की चढ़ाई आपको एक डिसेंट मिलेगी लेकिन उसके बाद ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हमने ये ट्रैक जून महीने में किया था और जून महीने के नज़ारे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उस टाइम यहाँ पे कितनी ग्रीनरी थी। खीरगंगा ट्रैक ना सिर्फ हिमाचल बल्कि भारत के सबसे खूबसूरत ट्रैक्स में से एक है जिसे हर उम्र का इंसान बहुत ही इजीली कंप्लीट कर सकता है और साथ ही इस ट्रैक में आपको बहुत से झरने देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप अपनी पानी की बॉटल रिफिल कर सकते हैं। खीरगंगा ट्रैक के लिए आप तोश या फिर पुलगा से सुबह 8-9 बजे स्टार्ट कर लें और अगर आप धीरे धीरे भी इस ट्रैक को करेंगे तो आप 3 बजे तक खीरगंगा पहुंच जाएंगे। खीरगंगा टॉप पे पहुंचने के बाद आपको बहुत ही अद्भुत नज़ारे दिखने वाले हैं। चारों ओर पहाड़ों से घिरे बीच में आपको हॉट वाटर पूल देखने को मिलेगा जो पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग रहता है, जिसमें गर्म पानी में नहाकर आप अपने शरीर की सारी थकान मिटा सकते हैं और साथ ही 1000 रुपीज पर पर्सन में आपको फूड और स्टे यहाँ पे मिल जाएगा और साथ ही भगवान कार्तिकेय का मंदिर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि सतयुग काल में भगवान शिव और पार्वती के आशीर्वाद से गंगा नदी से खीर निकली थी। बाद में कलयुग आने पर परशुराम ने खीर की धारा को रोककर उसे गर्म पानी में परिवर्तित कर दिया। तो दोस्तों अगर आप भी कसौल का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो खीरगंगा को अपनी विश लिस्ट में जरूर रखें और आप किसी भी जगह को मिस करें लेकिन खीरगंगा को कभी भी मिस ना करना। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप अपने कसौल ट्रिप पे कवर कर सकते हैं वो है पुलगा गांव। पुलगा गांव कसौल से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। वह कसौल के आसपास घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। पुलगा गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और लकड़ी के घरों के लिए जाना जाता है और साथ ही पुलगा को फेरी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और आज भी ये गांव आधुनिक सुविधाओं से वंचित है तो ये हिमालय की परफेक्ट लाइफ फील करने के लिए परफेक्ट विलेज है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप अपने कसौल ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है कुटला विलेज जो कसौल से लगभग 3 घंटे की दूरी पर स्थित है और यहाँ आने के लिए पहले आपको तोश विलेज तक आना होगा और तोश से 1 से 2 घंटे के ट्रैक में आप पहुंच जाते हैं कुटला विलेज। तोश से कुटला का रास्ता बेहद दर्शनीय है। ये बर्फ से ढके पहाड़ों और झरनों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। गर्मियों के महीने में इन झरनों के आसपास आपको कई सारे कैफे देखने को मिलेंगे। अगस्त के महीने में पूरा कुटला गांव हरे रंग के सेबों से भरा पड़ा दिखता है। सौभाग्य से कुटला के बारे में लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते और इसलिए अभी तक ये गाँव खूबसूरती और प्रकृति से बरकरार है। और नेक्स्ट विलेज जिसे आप अपने कसौल ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है द फेमस मलाना विलेज। कसौल से मलाना लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ आने के लिए आप बाइक रेंट पे ले सकते हैं या फिर लोकल टैक्सी का सहारा भी, जिसका रेंट 1500 से 2000 तक वेरी कर सकता है। कसौल से मलाना का रास्ता बहुत ही रोमांचक पूर्ण है और साथ ही यहाँ पे आपको क्लिफ हैंगर रोड्स भी देखने को मिलेंगे। मलाना विलेज के बेस पॉइंट तक पहुंचने के बाद आपको मलाना गांव तक पहुंचने के लिए 1 से 2 घंटे का एक बेसिक ट्रैक करना पड़ेगा। हमने ये ट्रैक नवंबर में किया था इसलिए यहाँ पे ज्यादा ग्रीनरी नहीं है लेकिन अगर आप जून जुलाई के टाइम ये ट्रैक करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ग्रीनरी देखने को मिलेगी। मलाना गांव को वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है और यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज हैं। और यहाँ की एक और बहुत सी दिलचस्प बात है,
यहाँ के लोग एक लोकल भाषा बोलते हैं जिसे कनाशी कहा जाता है और उसे यहाँ के लोगों के अलावा कोई भी समझ नहीं सकता। और एक और चीज, आप कभी भी इस गांव में जाएं तो यहाँ की किसी भी घर या वस्तु को हाथ न लगाएं, क्योंकि यहाँ पे इस चीज का प्रतिबंध है और इसके लिए आपको फाइन भी देना पड़ेगा। और मलाना विलेज के बाहर आपको लोकल टेंट्स या स्मॉल कैफेज रहने के लिए मिल जाएंगे जहाँ पे आप रात बिता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ खूबसूरत जगहें जिन्हें आप कसौल के आसपास घूम सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर अभी भी आपके मन में इस जगह को लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वही वीडियो हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। यार वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त थी, मैं सच्ची बात बताऊँ ना तो मैं उनकी जो वॉइस है उससे ज़्यादा ध्यान वीडियो में। एक वो जगह देख रहे थे कि बिल्कुल अपने गांव की याद, मतलब के मैं तो फर्स्ट टाइम ही गई हूँ, शादी के बाद एक ही बार गई हूँ वहाँ की, मतलब के वो पानी जिस तरीके से बह रहा था, लकड़ी के घर, और लकड़ी के घर कश्मीर में होते हैं ना, ज्यादातर कश्मीर में ऐसे होते हैं, में होते हैं बहुत सारे। और वो ये मंजर जो देख रहे थे ना, बस बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पीछे बैक पे चले गए हम लोग। बिल्कुल तो मतलब अच्छा, मजे की बात पता है कि अभी जैसे इन्होंने वीडियो में बताया ना कि आप बाइक रेंट पे लेके जा सकते हैं और कुछ, तो यार मेरा मानना इस मामले में ये है कि अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप चल फिर सकते हैं, तो फिर ऐसी जगह पे जाए बंदा ना तो वो ट्रैकिंग करता हुआ जाए। हाँ, बाइक वॉक करें, आप पैदल जाएं, घूमें फिरें, वहां के नजारों के मजे लें, क्योंकि ये चीजें रोज रोज नहीं होती हैं। हम लोग शहरी लोग होते हैं, शहर की आबो हवा, आलूदा, धुएं, ये वो, आपको पता है 100 मसले मसाइल होते हैं, लेकिन यहाँ बंदा जाए, और मैं तो कहता हूँ घूमे भी ना सही, बंदा भले वहां जाके एक घर में रह ले, खाली ताजा हवा के मजे ले। वहाँ के रहने वाले लोग वो कितने सेहतमंद होते होंगे कि रोज सुबह उठ के ग्रीनरी देखना, एक ताजी फिजा के सामने, मतलब के ताजी फिजा को महसूस करना, तो वो तो सेहत में भी अच्छे और मतलब के कुछ मिजाज। फिर एक और बड़ी बुरी बात है कि हम शहरी जहाँ पे भी जाते हैं ना, वहाँ पे जब ज्यादा वो जगह एक्सप्लोर हो जाती है ना, फिर लोगों का आमदोरफ ज्यादा हो जाता है, तो वो जगह को फिर लोग क्या करते हैं कि आने वालों की वजह से, शहरी लोग जैसे आते हैं तो अब उनको जो सहूलतें शहर में मिल रही होती हैं तो वो लोग उनको वो देने के चक्कर में ना अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको खो देते हैं। वहाँ अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं बाथरूम नहीं है, सही है, अब वो बाथरूम बनाएंगे, वहाँ और किसी चीज़ की कमी है, तो वो चीज़ें पूरी करने के चक्कर में जो है ना वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाती है। वैसे मेरा ये भी मानना है कि इंडिया इतना बड़ा है और अभी तक इंडिया फुली एक्सप्लोर्ड नहीं है, और मैं कहता हूँ कि ये पता नहीं कब तक होगा, जैसे भी होगा, लेकिन ऐसा ऐसा नई नई लोकेशन जो है वो लोगों के सामने आती जा रही है। और ये जो जगहें थी ना, ओए होए यार, यकीन करो इसने बड़ा दिल खुश कर दिया, बिल्कुल जिसको 100% प्योर नेचुरल ब्यूटी बोलते हैं ना, ये वो थी। अब्बू क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, मैं तो कोई शक नहीं खूबसूरती में, हालांकि लकड़ी के भी मकान कच्चे ही क्या लाए जाते हैं, लेकिन मंजर पहाड़ों में से कच्ची पक्की सड़कें, बहता हुआ पानी, साफ सुथरा झरने, असल हम भी ऐसे ही इलाकों के रहने वाले हैं, बदकिस्मती से हमारे वालदेन रोजगार के चक्कर में, क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं था, खूबसूरत इलाके तो थे, रोजगार नहीं था, वही लोग वहाँ कामयाब थे जो अपना कारोबार करते थे। और आज तो ये हाथ है कि नया आदमी वहाँ कारोबार में जगह ही नहीं है, बाकी पहाड़ी पहाड़ है, बाकी सब जगह, तो वो यहाँ आ गए और फिर हम शहरों में पैदा हुए और शहरों में जवान हुए और आज बुढ़ापा भी आ गया, जाते हैं कभी 6-7 साल गुजर जाते हैं, नजारे करके आ जाते हैं, फिर जब ऐसी चीजें देखते हैं दिल को बड़ा दिल को होता। और वो कह रहे थे ना कि दिसंबर के महीने में आप लोग आए, मतलब कि अगर आपको टूर करना है तो बर्फ बर्फ देखना, तो मुझे बहुत एक ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश कि मैं बर्फ को गिरते हुए देखूं और मैं हाथों को ऐसे करके अपने हाथों में बर्फ को समाऊं। तो बात यह है कि शहरी जिंदगी सुनते तो बहुत है, लेकिन यहाँ बगज भी बहुत है,
आपको खाता हुआ नहीं देख सकेंगे, आप भूखे हो तो वो भी नहीं देख सकेंगे, आए बेचारा ये हो, और खा रहे हो तो वो भी नहीं देख सकेंगे। नफ्सा नफ्सी, फिर जहाँ जाओ वहाँ सियासत ही कान में घुस रही है, ये हो गया वो हो गया, फलां गया चढ़ गया गिर गया मर गया, वहाँ ऐसी चीजें नहीं है। है सियासत वहाँ भी है लेकिन पर इतनी नहीं किसी हदूद तक, अपनी मतलब के होटलों दुकानों में नहीं है, वहाँ आदमी सुकून से बैठ सकता है। तो हम भी विजिट करेंगे बहुत जल्द अपने इस खूबसूरती को अपने से ऐसे हसीन मनाजर जो हमारे अपने जाती है, हम भी विजिट करने ही जाते हैं, जैसे एक किराएदार आया है टिकट लेके और नज़ारे करके वापस चला जाएगा। बिल्कुल चलें जी, हर वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ, खुदा हाफिज़।